हेलो एंड वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साल 2021 में कौन कौन से वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जो आप सभी को देखने को नजर आने वाली। इस वीडियो में हम लोग पार्टिकुलरली बात करने वाले 10 ऐसे वेब सीरीज के बारे में जो आप सभी को इस साल हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मजेदार। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो नंबर 1 टांडोन। नंबर 1 पर जो वेब सीरीज इस साल रिलीज होने वाली है उस वेब सीरीज का नाम टांडोन। साल की शुरुआत सैफ अली खान के मजेदार वेब सीरीज टांडो से होने वाली। इससे पहले सैफ अली खान सेक्रेट गेम्स जैसे ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज में अपने अभिनय के दम पर एक शानदार ओटीटी शुरुआत कर चुके हैं। इस वेब सीरीज में वो एक राजनेता के किरदार में नजर आने वाले। बात करें इस वेब सीरीज की कहानी के बारे में तो यह वेब सीरीज की कहानी किसान और छात्रों के आंदोलन पर आधारित है। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। इस वेब सीरीज में डिम्पल कापाड़िया, तिग्मांशु धूलिया, सुनील ग्रोवर, डीनो मौर्या, उमेद मिश्रा और अन्य कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आने वाले। आप लोग इस वेब सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 2 फैमिली मैन 2। साल 2021 की सबसे सफल वेब सीरीज में से एक द फैमिली मैन का सीजन 2 इसी साल 12 फरवरी को रिलीज होगा। साल की सबसे चर्चित वेब सीरीज में से एक इस वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं मनोज वाजपेयी, प्रियमणि, समानता किनेनी, गुल पनाग जैसे कई कलाकार। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है राज और कृष्ण डीके ने। इस वेब सीरीज की कहानी पिछले साल जहाँ से खत्म हुई थी वहीं से स्टार्ट होगी। आप लोग इस वेब सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 3 गुल्लक सीजन 2। पहले सीजन के सफल होने के बाद गुल्लक का दूसरा सीजन जल्द ही आप लोगों को इसी साल इसी महीने देखने को मिलेगा। सीजन 2 का एक ऑफिशियल प्रोमो सोनी लिप पर रिलीज कर दिया गया है। यह वेब सीरीज 15 जनवरी को सोनी लिप पर नजर आने वाली। सीजन 1 में जिस प्रकार से एक मिडिल क्लास फैमिली की परेशानियां दिखाया गया, सीजन का दूसरा सीजन भी वैसे ही संघर्षों को उजागर करने वाला। पिछला सीजन अपने घरेलू किस्सों के चलते खूब हिट हुआ था। आप सभी को क्या लगता है गुल्लक का दूसरा सीजन भी पहले सीजन की तरह हिट हो पाएगा कि नहीं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 4 बाहुबली बिफोर द बिगनिंग। SS राजमौली फिल्म बाहुबली के सुपरहिट होने के बाद एक मजेदार वेब सीरीज हिंदी ऑडियंस को देखने को मिलेगी। यह वेब सीरीज की कहानी आनंद अनिल कठन के उपन्यास द राइज ऑफ शिव गामनी पर आधारित होने वाली। यह वेब सीरीज इसी साल हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज होने वाली। बाहुबली बिफोर द बिगनिंग पूरे 6 सीजन चलने वाली है। सीरीज में कई कलाकार नजर आने वाले हैं जैसे मृणाल ठाकुर, राहुल बोस और अन्य कलाकार। क्या आप लोग इस वेब सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 5 गवार। अभिनेता शाहिद कपूर भी इस साल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कदम रखने वाले हैं। गवार नामक इस वेब सीरीज को राज और कृष्ण डीके डायरेक्ट करने वाले हैं। इस वेब सीरीज की शूटिंग इसी महीने से स्टार्ट होने वाली है। इस साल यह वेब सीरीज तिमाही के फेस्टिवल सीजन में रिलीज की जाएगी। शाहिद कपूर के अलावा इस वेब सीरीज में तमिल फिल्मों के दिग्गज अभिनेता विजय सेतुपति भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले। क्या यह वेब सीरीज मजेदार होने वाली है या नहीं आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 6 वांडा विजन। नंबर 6 पर जो वेब सीरीज रिलीज होने वाली उसका नाम वांडा विजन। मार्वल स्टूडियो ने यह घोषणा कर दी है कि वह इस साल बड़े पर्दे के अलावा मोबाइल और टैबलेट पर भी धमाका करने वाले हैं। इस साल उनकी सबसे पहली वेब सीरीज वांडा विजन 15 जनवरी को रिलीज होने वाली। 6 एपिसोड वाली यह वेब सीरीज MCU के 4th फेज की शुरुआत करेगी। सीरीज में आप लोगों को MCU के 2 पॉपुलर कैरेक्टर वांडा यानी स्कारलेट विच और विजन की कहानी पर आधारित होने वाली। यह वेब सीरीज HBO पर देखने को मिल जाएगी। आप में से बहुत लोग इस वेब सीरीज के लिए एक्साइटेड हो। आप इस वेब सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 7 मनी हाइस्ट सीजन 5। कोरोना काल में सबसे पॉपुलर वेब सीरीज में से एक मनी हाइस्ट का सीजन 5 इसी साल दर्शकों को देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज के 4th सीजन ने पूरी दुनिया में अपनी फैन फॉलोइंग जुटाई है। इस वेब सीरीज का इंतजार पूरी दुनिया को है। यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर इसी साल अप्रैल में रिलीज की जाएगी। यह वेब सीरीज आप सभी को हिंदी में भी नजर आने वाली। आप सभी इस वेब सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 8 द फाल्कन एंड विंटर सोल्जर। इस साल मार्वल स्टूडियो बहुत सारी वेब सीरीज रिलीज करने वाली, उसी में से एक वेब सीरीज है द फाल्कन एंड विंटर सोल्जर। MCU के 4th फेज का हिस्सा रहने वाली यह वेब सीरीज आप सभी को 19 मार्च को नजर आने वाली है। इस वेब सीरीज में MCU के 2 पॉपुलर कैरेक्टर सैम विल्सन यानी फाल्कन और बकी बेंस यानी विंटर सोल्जर के ऊपर आधारित होने वाली है। इस वेब सीरीज का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है जिसे लोग ने बहुत ही पसंद किया है। आप सभी MCU के इस वेब सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यह वेब सीरीज आपको HBO मैक्स पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 लॉकी। मार्वल स्टूडियो मई महीने में अपनी एक और वेब सीरीज लॉकी का प्रीमियर करेगा। MCU में लॉकी एक पॉपुलर कैरेक्टर है जिसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। वैसे तो MCU के साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वार में लॉकी की मौत हो जाती है, लेकिन जब से साल 2019 में रिलीज हुई एवेंजर्स एंड गेम में लॉकी एक बार फिर से नजर आया गया है, उसी पर ऊपर आधारित होने वाली इस वेब सीरीज की कहानी।
इस वेब सीरीज में लॉकी अपने कुछ करामात से फिर से जिंदा हो जाता है। यह वेब सीरीज HBO पर आप सभी को देखने को मिल जाएगी। आप इस वेब सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नंबर 10 स्नाइडर कट। स्नाइडर कट के नाम से पॉपुलर यह वेब सीरीज DC यूनिवर्स द्वारा बनाई गई है, जिसका पूरा नाम जैक स्नाइडर जस्टिस लीग होने वाली है। यह फिल्म HBO मैक्स पर मार्च महीने में रिलीज होने वाली है। वैसे तो जस्टिस लीग आप सभी 2017 में तो देख ही चुके होंगे, लेकिन यह मूवी पूरी तरह से ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी। इसी चक्कर में दर्शकों के डिमांड के कारण यह वेब सीरीज एक नए रूप रेखा में नजर आने वाली। इस वेब सीरीज में वंडर वुमन, एक्वामैन, बैटमैन, सुपरमैन जैसे सुपर हीरो नजर आने वाले हैं। क्या यह वेब सीरीज ऑडियंस को फिर से पसंद आ पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए और मज़ेदार वीडियो लाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।